सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक नए एपिसोड में। और फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लैन गेम्स को लेकर। जो अभी रनिंग जो अभी चल रहा है क्लैन गेम्स, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को थोड़ी अनफेयर लग रही है, तो ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, एक चीज़ मैं रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ जो मेरे व्यूअर्स है। अगर आप कोई भी चैनल में नया है, जो रेगुलर व्यूअर्स उनको तो पता ही है, अगर कोई चैनल में नया है तो 50,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए मैंने एक गिव अवे रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो में पूरा डिटेल्स है, आप एक बार चेक कीजिए और ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। विनर जो है वो 1 मार्च को डिक्लेयर होगा। अब दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में आता हूँ इस वीडियो की। अब देखिए, बात ये है कि अभी जो क्लैन गेम्स चल रहा है, इस देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 6 दिन का था टोटल शायद से। तो अभी आप देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स के, अगर मैं सेक्शन में जाता हूँ तो हर एक सेक्शन में देख सकते हैं ये 7 टायर्स हैं टोटल, शायद 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो गाइस टोटल 7 टायर्स है। फर्स्ट टायर में आप कुछ जेम्स मिल रहे हैं, एलिक्सिर और गोल्ड मिल रहा है। सेकंड टायर में कुछ डार्क एलिक्सिर, कुछ एलिक्सिर और गोल्ड जेम्स मिल रहे हैं। और ऐसे थर्ड में कुछ पोशंस मिल रहे हैं, एक एक पोशंस ईच, और उसके बाद भी कुछ रिसोर्स मिल रहे हैं। उसके बाद एक बुक ऑफ बिल्डिंग और थोड़े गोल्ड एलिक्सिर मिल रहे हैं। और जो 6th वाला टायर है, जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला है, उसमें बुक ऑफ फाइटिंग या फिर बुक ऑफ स्पेल या फिर 3 यहाँ पे मिल रहे हैं, शायद ट्रेनिंग पोशन, यस। पर गाइस, जो लास्ट वाला टायर है, आप देख सकते हैं 50,000 जो पॉइंट अगर आप रीच करते हैं वहाँ पे, जो टायर है वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 18 लाख गोल्ड या फिर 9,000 डार्क एलिक्सिर या फिर एक ट्रेनिंग पोशन है। तो गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 30,000 के बाद 50,000, मतलब 20,000 क्लैन पॉइंट्स अगर आप अचीव कर पाएंगे तो सिर्फ आपको 18 लाख कॉइन या फिर 9,000 डार्क एलिक्सिर या फिर एक ट्रेनिंग पोशन। तो गाइस, मेरे हिसाब से ये काफ़ी मतलब अनफेयर है कि 20,000 पॉइंट के लिए इतना कम रिवॉर्ड। तो आप देख सकते हैं, अगर कुछ बुक मिलता या फिर कुछ ये पोशंस भी अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट में मिलते तो मेरे को लगता कि चलो ठीक है, पर 20,000 पॉइंट्स में सिर्फ इतना, क्योंकि आप देख सकते हैं 18 लाख गोल्ड तो आपको 2-3 से 4 लूट में मिल जाता है। अगर आप टाउन हॉल 9-10 के प्लेयर हैं, अगर आपको 2-1 अच्छा बेस मिलता है तो 3 से 4 लूट में आपको आराम से 18 लाख जो गोल्ड है निकाल सकते हैं। वैसे आप 2-3 लूट में 9,000 डार्क भी निकाल सकते हैं विद लूट बोनस और सिर्फ एक ट्रेनिंग पोशन गाइस। तो 20,000 पॉइंट के लिए सिर्फ इतना रिवॉर्ड, मेरे को लग रहा है कि ये फेयर नहीं है। आप लोग ज़रूर अपने राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपको लगता है कि नहीं ये फेयर इनफ है आप ये बोल सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं ये अनफेयर है तो नो बोल सकते हैं। और एक चीज़ गाइस, छोटा सा रिमाइंड करा देना चाहता हूँ मैं, अगर आपका क्लैन में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है या फिर क्लैन गेम ज़्यादा खेल नहीं पा रहे, तो अगर आप 6 टायर तक भी अनलॉक करते हैं, मतलब 30,000 पॉइंट तक भी आप पहुंच जाते हैं ना, तो मेरे को लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छा अचीव कर चुके हैं और आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे कुछ ख़राब नहीं मिलना, ठीक है। तो अगर आपका क्लैन में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है तो आप प्लीज़ लास्ट वाली टायर के लिए ज़्यादा स्ट्रगल ना करें, ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप 6 टायर्स भी अनलॉक कर लेते हैं तो जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं काफ़ी मिल रहे हैं, लास्ट वाला टायर में ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा है। तो यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपके क्लैन में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है तो आप स्ट्रगल ना करें लास्ट वाला टायर के लिए, और अगर आपके क्लैन में प्लेयर्स हैं तो आप आराम से कर ही सकते हैं। तो बस गाइज, वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा मेरे को। और गाइज, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, जय हिंद।